नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आपको इसकी पेपर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहले पहले क्वेश्चन तो पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज, इसका उत्तर हो जाएगा कि मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था, जिसे यूनानी शासक सेल्यूक्स निकेटर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो पहले का उत्तर ये हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन आएगी, तुगलक वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और 1320 में की थी। इसका उत्तर ये हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चंस का ये अति लघुरात्मक क्वेश्चंस है, एक एक नंबर के हैं। अब तीन नंबर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो तीन नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख दो विचारक के नाम आपको आपको बताने हैं। तो एक विचारक तो हो जाएगा बेंथम, दूसरा हो जाएगा JS मिल। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, दोनों आपके बता दिए हैं। अब चार नंबर क्वेश्चंस की बात, चार नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि जहाज निर्माण और मरम्मत की सुविधा किस बंदरगाह में उपलब्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जहाज निर्माण और मरम्मत की सुविधा विशाखापट्टनम नामक बंदरगाह में उपलब्ध है। पांच नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि सतत विकास से क्या आशय है? सतत विकास से इसका उत्तर हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखते हुए जो आर्थिक विकास किया जाता है उसे सतत विकास कहते हैं। छः नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो छः नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि मानव विकास सूचकांक HDI से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मानव विकास सूचकांक HAHDI जीवन प्रत्यक्ष और शिक्षा और प्रति के व्यक्ति आय संकेतों का एक समग्र आंकड़ा है। आगे सात नंबर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो सात नंबर क्वेश्चन है, नियोजक के तीन प्रमुख आपको घटक कौन कौन से हैं बताने हैं? तो नियोजक के प्रमुख तीन घटक, पहला आ जाता है नियोजक का घटक, तो नियोजक के आपको प्रमुख तीन घटक बताने हैं। पहला आ जाता है कि उपलब्ध संसाधनों का अनुमान, इसका उत्तर आ जाता है। और सेकेंड आ जाता है कि प्राथमिकता क्रम में निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य। तीन नंबर आ जाता है कि संसाधनों का विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुकूलतम अवगठन एवं उपयोग। आगे आ जाता है क्वेश्चन, आगे आठ नंबर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक उपाय किसके द्वारा लागू किए गए थे? तो मौद्रिक उपाय RBI ने लागू किए थे, देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा RBI। आगे नौ नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बार सन 1971 ईस्वी में भारत में गरीबी के आकलन के लिए मापदंड और परिभाषा विकसित करने वाले दो अर्थशास्त्रियों के नाम बताने हैं आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला हो जाएगा VM दांडेकर और दूसरा हो जाएगा नीलकंठ रथ में पहली बार 1971 ईस्वी में गरीबी आकलन के लिए मापदंड परिभाषा विकसित की थी। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निर्धनता सूचकांक किसने तैयार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास की पहल बहुआयामी और निर्धनता सूचकांक बनाया था। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ये 2 नंबर का है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आ जाते हैं कि राज्य उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना, ये क्षेत्र है। और इसके क्षेत्र हैं कि संसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों में निर्वाचन संबंधी विवाद, राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद और मौलिक अधिकारों की वसीयता, और विज्ञान में विधिक कंपनी और विवाह के विच्छेद में इसका आदि मुकदमे, ये हैं राज्य उच्च न्यायालय के मूल अधिकार। आगे 12 नंबर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि माई बजाज सागर परियोजना संक्षिप्त तो आपको वर्णन करना है। माई बजाज सागर
तो इसका उत्तर हो जाएगी मई बजासागर परियोजना राजस्थान के गुजरात और संयुक्त राज्य की परियोजना है। इसे विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माई नदी 1971 में से आरंभ की गई थी। यह नदी इस नदी में के प्रवाह मार्ग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में आर्थिक विकास हेतु सिंचाई और विद्युत सुविधा के लिए हेतु आरंभ की गई थी। इस योजना में माई नदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के निकट बोरखेड़ा नामक स्थान पर माई बजासागर पक्का बांध गुजरात में गुजरात सरकार की लागत कड़ाना बांध बनाया था। नगर प्रणाली को विकसित करने के लिए उद्देश्य के मुख्य बांध 500 मीटर नीचे का अगदी पिकव बांध बनाया था और विद्युत यंत्र के लिए विकास हेतु इसकी मुख्य बांध पर दो विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया था। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, तो आ जाते हैं कि भारत में कृषि विकास हेतु तीन आपको सुझाव देने हैं। तो तीन, पहला आ जाता है कि भारत में सिंचाई सुविधा के लिए विस्तार करना चाहिए ताकि मानसून की निर्भरता कमी है। दूसरा आ जाता है कि कृषकों में गरीबी, अशिक्षा और ऋण ग्रस्तता को दूर करना चाहिए। और तीसरा इसका उत्तर आ जाता है कि हमें कृषि को प्राचीन स्वरूप उत्पादन का जीवन निर्वाह प्रयोजक बदलना चाहिए, जिसे कृषि के व्यवसाय रूप से देना चाहिए। आगे आ जाता है 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि अभ्रक खनिजों की किस श्रेणी में आता है, यह राजस्थान के कहाँ मिलता है। तो अभ्रक कहाँ मिलता है, अभ्रक इसका उत्तर हो जाएगी कि अभ्रक अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है। वह यह राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर जिलों में पाया जाता है, मिलता है। और अभ्रक उत्पादन निवेश की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है, अभ्रक में राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा कि औद्योगिक प्रदूषण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऐसी परिस्थितियां और घटनाएं जो औद्योगिक अवशिष्टों के कारण से मानव सभ्यता के प्रकृति के विनाश का कारण बनती है, उन्हें औद्योगिक प्रदूषण कहा जाता है। यह विशेषकर दिल्ली और मुंबई, कोलकाता जैसे उच्च शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। उसमें उच्च स्तर के वायु और जल प्रदूषण शामिल होता है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, तो 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के जनसंख्या दर को स्थिर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो राजस्थान के जनसंख्या दर को स्थिर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पहला प्रयास है कि योग्यता और दंपतियों की उनकी इच्छा अनुसार परिवार कल्याण की आवश्यकताओं की सेवाएं और उपलब्ध करवाना और परिवार की सीमित करने हेतु शिक्षित किया जाना। दूसरा आ जाता है इसमें कि नियमित टीकाकरण और अभियान, मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषक दिवस व मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं के बच्चों को पोषण सेवाएं सुलभ करवाई जा रही हैं, और ताकि शिशु एवं मृत्यु दर को कम किया जा सके। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे आ जाता है 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि आधारभूत संरचना का विभाजन कीजिए। तो आधारभूत संरचना का विभाजन दो भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है आधारभूत ढांचा संरचना, दूसरा आ जाता है आधारभूत संरचना। तो आधारभूत ढांचा संरचना किसे कहते हैं, ये होता है कि इसका मुख्यतः परिवहन व बिजली संचार प्रणाली के लिए शामिल किया जाता है। और आधारभूत सामाजिक संरचना है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से मानव संसाधन के विकास के लिए किया जाता है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि सड़क पर 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर दोषी पर कौन सी दरें लागू होती हैं, आपको बतानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सड़क पर दुर्घटना में मृत्यु को दोषी के 304 धारा है वो लागू होती है, और बाएं तरफ तो इसमें दूसरा आ जाएगा कि बाईं तरफ यूटर्न लिया जाता है, तो बाईं तरफ यूटर्न की अनुमति नहीं होती है इसमें सड़क दुर्घटना में, बाईं ओर की अनुमति नहीं होती है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो स्वच्छ भारत अभियान कब और प्रारंभ हुआ था, उसके उद्देश्य का वर्णन करना आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था, और इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण शहरों में शौचालय की सुविधा प्रदान कराना और स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों को ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 को तक खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करना था। और स्वच्छ भारत मिशन का था कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को शौचालय में प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये कर दी जानी चाहिए। इसका उत्तर ये हो जाए। अब 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये 4 नंबर का है जो इम्पोर्टेंट है, 100 में से 99% आने का चांस है। तो ये है कि भारत में 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इसमें आ जाता है कि अशोक के धम्म अथवा धर्म का सार लिखना आपको, तो उसके बारे में बताना है अशोक के बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारतीय इतिहास में
अशोक एक विजेता और कुशल प्रशासक के रूप में नहीं वरन एक महान धार्मिक नेता के रूप में प्रसिद्ध है। अशोक ने धर्म का अथवा धर्म के सिद्धांतों के अनुसार बड़ों का आदर करना और छोटों को प्यार देना, सदा सत्य बोलना और झूठ की गणना करना और पाप रहित जीवन व्यतीत करना और मनुष्य तथा वस्तुओं को कष्ट देने से दूर रहना और दान देना, साधु स्वभाव को स्वभाव होना और तथा कल्याणकारी राज्य का कार्य करना और सारी शर्तें आपको मानना, यह दसो अशोक के धर्म में लिखा गया है, धर्म का सार किया गया है। तो इसका उत्तर ये हो जाए। आगे 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 21 नंबर आगे मोहम्मद तुगलक की प्रमुख 5 योजनाओं के नाम लिखने आपको। तो पहली योजनाएं हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, पहली योजना ये है कि देवगिरी की राजधानी बनाना। दूसरा आ जाता है कि खुरासान पर आक्रमण करना। तीसरे आ जाता है कारचिल की ओर अभियान। चार नंबर आ जाता है दोआब के कर वृद्धि। पाँच नंबर आता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो ये 5 हैं, इसमें आपको विस्तारपूर्वक समझा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि वस्त्र उद्योग में औद्योगिक क्रांति के समय आपको क्या क्या आविष्कार हुए थे उसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के समय पहला आ जाता है इसका औद्योगिक आविष्कार हुए थे। तो पहला आविष्कार आ जाता है कि 1733 में लंका शायद जानकी ने फ्लाइंग स्टल का आविष्कार किया था। यह रस्सियों के पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक था, औजार था और वह बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो फ्लाइंग स्टल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करंगे चलाना और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में काफ़ी मदद मिली है। दूसरा आविष्कार आ जाता है कि जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1765 में स्पिनिंग जेनी मशीन बनाई गई थी। इसमें मशीन में कताई की प्रक्रिया तेज कर दी गई और मजदूरों को मांग घटा दी गई और एक पहिए घुमाने वाला मजदूर सारी तकलीफों को घुमा देता था और एक साथ इस धागे में बनाने लगते थे। तीन नंबर आविष्कार आ जाता है कि रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में एक नई मशीन का आविष्कार किया और इसमें बेलन लगे हुए थे, उसका पक्का सूत काटा जाता था और सूत काटे जाते थे, उसके आविष्कार हैं ये, जिसकी सहायता से हम पहले अपेक्षा अधिक मजबूत धागा बनाए गए। इस मशीन का पानी में शक्ति चलाया जा सकता था। इसके यंत्र को वाटर फ्रेम का नाम दिया गया था जो रिचर्ड आर्कराइट ने दिया था। इसका चार नंबर आविष्कार आ जाता है कि 1779 में कॉम्पेटन में मयूल नामक मशीन का बनाई गई थी जिसकी बारीकी सूत अधिक मात्रा में निकले थे। और इसके में 5 नंबर आविष्कार आ जाता है कि बुनाई में उन्नति के लिए एडमंड कार्टराइट ने 1785 में इसका एक मशीन का आविष्कार किया था। अब 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक उदारवाद के बारे में आपको बताना है कि क्या है। पहले तो ये बता देता हूँ कि लोकतांत्रिक उदारवाद सिद्धांत का विकास पश्चिमी देशों में हुआ है। इस सिद्धांत में विचारक होब्स लोक, रूसो, बेंथम, जेम्स मिल, टीएच ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन और जेफरसन और हर्बर्ट और स्पेंसर आदि थे। सभी विद्वानों का व्यक्तिगत सुख, स्वतंत्र के अधिकार आदि संदर्भ में अपने लोकतांत्रिक संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवाद सिद्धांत के आधार मान्यता लक्षण ये दिए हैं। पहला आ जाता है लक्षण कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, यह अपना हित है अहित समझने की क्षमता रखता है। सेकेंड आ जाता है कि शासन का गठन उदारवादी और लोकतांत्रिक संविधान के अनुसार होना चाहिए। थर्ड आ जाता है कि सभी व्यक्ति बराबर समान होना चाहिए। चार नंबर आ जाता है कि सरकार शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, सरकार राजनीति तथा सत्ता मात्र न्याय से होती है। पांच नंबर आ जाता है कि निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। आगे छः नंबर पॉइंट आ जाता है इसमें कि शासन में संचालन की कुछ आधारभूत नियम थे जो हैं। पहला आ जाता है इसमें शासन के जल के अध्ययन जनता को प्रतिनिधि द्वारा किया जाना चाहिए। और सेकंड आ जाता है कि शासन के गठन संचालन बहुमत के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। इसके थर्ड आ जाता है कि शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। और 7 नंबर इसका पॉइंट आ जाता है कि व्यक्ति के नागरिक स्वतंत्र और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसकी निरक्षा के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए। 8 नंबर इसका पॉइंट आ जाता है कि राजस्थान सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारतीय ये 4 नंबर का है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली 4 विशेषता बतानी है आपको। तो 4 विशेषता आपको निम्न प्रकार हैं। पहली आ जाती है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति, इसका उत्तर हो जाएगा, पहली विशेषता आ जाती है इसके उत्तर में कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में सतत तीव्र वृद्धि। इसकी दूसरी आ जाती है कि अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। और इसकी तीसरी आ जाती है
विशाल तथा तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र। आगे चौथी आ जाती है इसकी कि आर्थिक सामाजिक आधार संरचना में सुधार, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है ये भी 4 नंबर का कि गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों के आपको गुण और दोष बताने हैं। तो पहले देख लेते हैं कि गैर संस्थागत हैं क्या वित्तीय स्रोत आपको बताने हैं। तो इसमें लेन देन संबंधी गैर संस्थागत वित्तीय वे हैं जो लेन देन के संबंध में सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होती है, पंजीकृत तो नहीं होती, उसके बारे में है आपको देख सकते हैं। आगे इसमें आ जाता है कि स्रोतों के गुण आपको बताने हैं कि स्रोतों के गुण कौन कौन से हैं। स्रोतों के गुण है, पहला आ जाता है कि गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों द्वारा साख प्रदान करके अपनी प्रक्रिया को बहुत सीधी तो सरल होती है। दूसरा आ जाता है इन संस्थाओं की गतिविधियां समय बाधित नहीं होती है। और तीसरा आ जाता है कि ये संस्थागत बहुत लोचशील होती है। और 4 नंबर आ जाता है कि इन संस्थाओं के द्वारा बहुत कम कागजी कार्रवाई की जाती है। इसमें गैर दोष आ जाते हैं, गैर संस्थागत के वित्तीय दोष आ जाते हैं। पहला आ जाता है कि गैर वित्तीय संस्थागत मुद्रा को वसूल करने के लिए अनेक बार अनुचित संसाधनों का प्रयोग करती है। दूसरा आ जाता है कि इन संस्थाओं द्वारा लेन देन बहुत कम रिकॉर्ड रखा जाता है। इन लेन देनों में रिकॉर्ड हेरा फेरी गंभीर आरोप भी लगते हैं, इसमें हेरा फेरी कर लेता है तो को गंभीर आरोप लगते हैं। 3 नंबर आ जाता है कि गैर वित्तीय संस्थाओं को ऋणियों को से ली जाने वाली ब्याज की दर के बारे में बताया गया है। आगे आ जाता है क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे 26 नंबर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो 26 नंबर आ जाता है कि सूचना के अधिकार को अधिनियम क्या है, इनके आपको 2 लाभ बताने हैं। तो पहले बता दो कि इसका उत्तर हो जाएगी कि सूचना पाने का अधिकार क्या है। पहले बता देता हूँ कि इसका उत्तर हो जाएगा कि सूचना पाने का अधिकार वह एक विशेष तरह का कानून है जिसका आविर्भाव वर्ष 2005 में हुआ था। इस कानून को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आम लोगों को सरकार से सवाल करने का हक देना था कि इस कानून की सहायता से हम कोई भी आम व्यक्ति की सरकारी कार्यालय के अपना RTI दर्ज करा किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। और सरकार को सवाल पूछे जाने का हक है कि देश के नागरिक हर नागरिक को हक है इसका। आगे आ जाता है कि सूचना अधिकारों के लाभ बताने आपको। पहला लाभ आ जाता है इस कानून का सदुपयोग करके सरकारी संस्थाओं को कई तरह के संबंधित जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति इस कानून के अधीन राय नहीं मांग सकता है। सेकंड आ जाता है कि इस कानून का प्रयोग करके हम लोग भ्रष्टाचार की शिकायत व बिजली पानी संबंधी समस्याओं का सड़कों पर मरम्मत फंड संबंधी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के क्रांतिकारियों का योगदान रहा था, उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला योगदान आ जाता है कि महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान। दूसरा आ जाता है कि चांपेकर बंधुओं द्वारा रेंड की हत्या। थर्ड आ जाता है इसमें श्यामजी की कृष्ण वर्मा, इसके बारे में आ जाता है, इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताना है। और इसके 4 नंबर पॉइंट आ जाएगा विनायक दामोदर सावरकर के बारे में आ जाता है कि उसने नासिक जिले में कलेक्टर सेक्शन ने विधायक सावरकर की हत्या 7 अप्रैल 1911 को वीर सावरकर को सजा सुनाई गई थी, उसमें आपको जेल भेज दिया गया था, इसके आ जाता है। आगे 5 नंबर आ जाता है, इसमें पॉइंट आ जाता है 5 नंबर बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन आ जाता है जिसमें बंगाल में क्रांतिकारियों का पंगो संगठन और अनुशीलन समिति था जिसमें स्थापना सतीश चंद्र बंसु द्वारा उसके साथियों 24 मार्च 1903 को की गई थी। इसमें बंगाल क्रांतिकारी संगठन बनेकारी अरविंद घोष का आग्रह जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय वह पी मित्र ने किया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो विस्तारपूर्वक समझ सकते हैं आप, देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, आगे 27 नंबर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अथवा की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको एक ये भी याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना आपको। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि आपको पॉइंट ज़रूरी है याद रखने, और जिसमें आगे तो कुछ भी लिखो इतना महत्व तो नहीं रखता है जो इतना पॉइंट रखता है। तो पहला इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला पॉइंट आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। दूसरा आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम जिसमें आपको समझाना कि गांधी जी ने 9 अप्रैल को इस आंदोलन का घोषणा की थी जिसमें प्रमुख शर्तें रखी थी। पहला ही शर्तें रखी गई थी गांव गांव में नमक कानून तोड़ा जाए। छात्र बी आ जाता है कि छात्र सरकारी स्कूलों में कर्मचारी दफ्तरों को छोड़ दे। और तीसरा विदेशी शस्त्रों को जलाया जाए। और चौथा आ जाता है कि सरकार को कर न दिया जाए। और पाँचवा आ जाता है कि नारियों शराब अफीम विदेशी दुकानों को घेराव करे। और 7 नंबर चरखा कारखाना आ जाता है।
और इसका 8 नंबर पॉइंट आ जाता है कि इसमें छुआछूत से दूर रहना चाहिए। आगे इसमें आ जाता है, आगे आ जाता है आंदोलन का प्रचार का पॉइंट, प्रसार का पॉइंट लिखना आपको, जिसमें विश्वास था कि नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए आरोप गांधी से गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर। आगे पॉइंट आ जाता है 4 नंबर मेन, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी, इसके बारे में आ जाता है कि 8 मई 1933 ईस्वी को गांधी ने हरिजनों द्वारा के कार्य के संचालन में आत्मशुद्धि हेतु 21 दिन के व्यक्तिवाद उपवास रखने की घोषणा की थी। जिस तरह उपवास का सामाजिक उद्देश्य के कारण सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया गया था, इस समय गांधी ने 6 सप्ताह में अवज्ञा आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का परामर्श कर दिया गया था। 12 जुलाई को कांग्रेस के पूना फिर अनौपचारिक सम्मेलन द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो ये था इसका उत्तर, पूरा बता दिया है मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। आगे बात कर लेते हैं, आगे 28 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का विवेचन करना है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ होती क्या है, जो तो इसकी उत्तर की बात कर लेते हैं। तो उत्तर आ जाता है कि संकट की स्थिति में सामना करने के लिए संविधान के राष्ट्रपति को कुछ असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई थी, और संविधान में वर्णित संकटकालीन प्रावधान पिछले वर्षों में बहुत अधिक संशोधित होते रहे हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 से आपके आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो आपातकालीन शक्तियों की बात कर लेते हैं। पहली शक्ति आ जाती है राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें आपको समझाना है कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति को युद्ध, 12 आक्रमणों या सशस्त्र विद्रोह का भारत में इससे भाग की सुरक्षा के संकट के लिए इसको आपत्तिग्रस्त घोषणा की थी। तो आपातकालीन की दूसरी शक्ति आ जाती है कि राज्य में आपातकाल, इसके बारे में आपको समझाना है। आगे तीसरी आ जाती है कि इसकी वित्तीय आपातकाल, इसके बारे में आपको समझाना है। अब आगे 29 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल नियुक्तियां अधिकार तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगी राज्य का सर्वोच्च अधिकार राज्यपाल होता है, और संविधान द्वारा राज्य की कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ राज्यपाल की निहित होती है इसके, लेकिन केंद्र की तरह राज्य के परिषद और राज्यपालों के अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो राज्य के सारे कार्य और संपन्न हो जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्तियाँ कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वह उसी तक अपने पद तक कर सकता है जब तक कि उसे राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त रहता है। संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था को राज्यपाल और केवल संवैधानिक प्रदान करता है। तो राज्यपाल के एक अधिकार व कार्य बता देता हूँ आपको। पहला कार्य आ जाता है कि कार्यपालिक संबंधी विचार, इसमें पॉइंट आ जाता है, ए आ जाता है कि संवैधानिक प्रधान के रूप में अधिकार, बी आ जाता है कि मंत्रियों की नियुक्ति, सी आ जाता है कि विभागों का वितरण, डी आ जाता है कि आपातकालीन स्थिति की संबंधी अधिकार, आपको पॉइंट लिखने हैं। इसमें 2 नंबर आ जाता है कि राज्यपाल की शक्तियों का, 2 नंबर पॉइंट आ जाता है कि कानून निर्माण संबंधी अधिकार आपको हैं, जो जिसके बारे में आपको समझाना है, देख सकते हैं। और 3 नंबर आ जाता है पॉइंट इसका वित्त संबंधी अधिकार, जिसमें ए आ जाता है बजट प्रस्तुति करवाना, बी आ जाता है कि धन विधेयक पेश करना, इसके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको दिए गए हैं कि भारत के रेखा चित्र मानचित्र में आपको अंकित करना है। पहला है सूरत, सेकंड आ जाता है गोवा, और इसमें आपको भरना है। तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे भरना है। और इसमें दिए आपको सेकंड में आ जाता है कि दिए गए मानचित्र में आपको अंकित करना है कि चावल का उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, और मुंबई हाई और भद्रावती लोहा इस्पात के संयंत्र, जो आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको भरना है, कहाँ कहाँ है इसको। तो पहले देख लेते हैं कि चावल के उत्पादक क्षेत्र यहाँ है मानचित्र में देख सकते हैं, और सूरत कहाँ है, सूरत आप देख सकते हैं, सूरत यहाँ है, और मुंबई हाई देख सकते हैं यहाँ पर है, और इसमें गोवा कहाँ पर है, गोवा नीचे ये देख सकते हैं, छोटा सा है देख सकते हैं इसमें, और भद्रावती लोहा और इस्पात संयंत्र ये आप देख सकते हैं यहाँ गोवा के पास में ही है, इसका ये हो जाएगा। तो ये था आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आपको इसकी पर्सन और उत्तर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो सीधा ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको PDF प्राप्त करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं आगे।